हेलो एवरीवन, वेलकम टू के आर एस सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू 2016 इंटरव्यू डेट्स, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 31 अगस्त 2021 से आपके जो इंटरव्यू हैं वो प्रस्तावित हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि 31 तारीख से अगस्त में आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो भी जो है इसी के अकॉर्डिंग करनी है। आप सभी लोगों ने जो भी आपका रिज़ल्ट है आपने देख लिया होगा, बहुत सारे बच्चे पहले से ही कॉन्फिडेंस में थे कि उनका हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे डाउट में थे बिकॉज़ उन्होंने एकदम बॉर्डर पे जो है कंप्लीट किया था अपना टाइपिंग, जैसे कि हिंदी में एकदम 25 पे रुके थे और इंग्लिश में एकदम से 30 पे रुक गए थे। उनकी क्वेरी थी कि हमारा एक्यूरेसी से दिक्कत ना हो जाए, कहीं 25 आ गया है, और कुछ वर्ड्स वाले भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कल के बाद से सभी कंफर्म हो गए होंगे कि किसका किसका हुआ है और किसका नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनली आपका रिज़ल्ट आ चुका है टाइप टेस्ट का। अब आप देख सकते हो कि अभी आपका जो है जुलाई चल रहा है, जुलाई मंथ, ठीक है, और जुलाई मंथ चल रहा है, आज है 21st, और अभी आपका जो है आप करीब 10 दिन मान लो इस मंथ में, और पूरा एक महीना आपका अगस्त में है, ठीक है। यानी कि आप मान के चलो कि 40 डेज आपके पास हैं अभी आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। आगे जो है 31 के बाद से जो डेट्स लगेंगी आपकी, कुछ लोगों का और आगे भी हो सकता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में किसी का चला जाएगा, किसी का 31st को ही होगा, लेकिन हम जो टारगेट रख रहे हैं वो 31st अगस्त का ही रख रहे हैं कि हम सारी चीज़ें उसके अंदर में पढ़ लें, ठीक है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है अभी, ये एकदम बेसिक चीज़ों के लिए है। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। जिन लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें और देखनी है उन्हें। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, तो आज से सारी चीज़ें वापस से शुरू होंगी। एक एक पॉइंट को वापस से आपको साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा और सारी चीज़ें आपको फिर से बताई जाएंगी, ठीक है। तो जो बच्चे पुराने हैं वो भी ये सारी चीज़ें देखें, साथ में इन चीज़ों को कवर अप करते चलें, ठीक है ना। 40 डेज है आज का जो हमारा क्लास रहेगा, वो डे वन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, एक दिन में दो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। जैसा जैसा जो है डेटा और जैसा जैसा मैटर मिलता रहेगा, उस अकॉर्डिंग मैं आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, जैसा कि बाकी लोगों को कराया गया था और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला। आज की पहली चूँकि हमारी क्लास है आज, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो आज मैं आपको एक रफली तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें खुद से तैयार कर लेनी है आज की डेट में। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज की डेट में, आप सभी लोग वो सारी चीज़ें तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेन जो है वो पेज ले लिया है, और यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये करिएगा कि आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देखा होगा, तो आपको पता होगा ना कि जो आपने रिज़ल्ट देखा है वो किससे देखा था रिज़ल्ट अपना, वो आपने देखा है अपने रोल नंबर से, ठीक है। आपने जो रिज़ल्ट देखा है वो देखा है रोल नंबर से। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट में जो आप लोगों का रोल नंबर रहा है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है, ठीक है। रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। आप बिल्कुल याद कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर आप ज़रूर से याद कर लें, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर से याद कर लें। अपना फॉर्म उठाएं, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड में से रोल नंबर मिल जाएगा, और जो इसका फॉर्म होगा वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद से आपको क्या करना है कि इसके बाद से आपको जो भी आपके डिग्रीज़ हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अब आपको उनको निकाल लेना होगा आज, ठीक है। आप उन्हें निकालिएगा, आपके पास देखिए जो भी डिग्री हैं, ठीक है, हाई स्कूल सभी के पास होगा आज की डेट में। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2016 का है, अगर उस समय अगर आपने इंटर भी करा रहा होगा तो अभी आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया होगा, ठीक है ना। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा है, PG, ठीक है, ये सारी चीज़ें
इसमें से आपको सभी का मतलब सभी का क्या याद करना होगा, रोल नंबर। ठीक है, सभी का आपको क्या याद करना होगा, रोल नंबर। रोल नंबर आप सभी का याद कर लें, जितने भी आपके क्लासेस हैं आप सबका रोल नंबर ज़रूर से याद कर लें। ठीक है ना, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, सबका रोल नंबर आप याद करेंगे। अब आप सोचोगे कि ग्रेजुएशन में हमारे 3 ईयर होते हैं, तीनों ईयर का याद करें, बिल्कुल नहीं। ग्रेजुएशन में जो आपका लास्ट ईयर यानी कि जो 3rd ईयर होता है उसका रोल नंबर आप याद करें। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका 2nd ईयर होता है आप उसका रोल नंबर याद करें। ठीक है ना, रोल नंबर याद करने के बाद हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट थे आपके, इंटर में कितने सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट थे और पीजी में आपने किस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करा है। सब्जेक्ट इन द सेंस कि जैसे हाई स्कूल में आप पढ़ते हो तो आप लोगों ने क्या लिया होगा, 6 सब्जेक्ट होंगे आपके। ठीक है ना, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, SST है और एक आपका जो है ऑप्शनल होता है, जिसका जैसे होता है वो अपना बताएगा। ठीक है, इंटर में 5 ही होते हैं, अगर PCM वाला बच्चा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। बायो वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी। आर्ट साइड के बच्चे हैं तो इसी अकॉर्डिंग उनका भी होता है। तो अपने अपने सब्जेक्ट, बात आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में जैसे मान लो कोई बच्चा आपने BA कर रखा है तो BA आपने जो 3 सब्जेक्ट से करा, एक आपने छोड़ दिया 3rd ईयर में, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने केमिस्ट्री लिया है ग्रेजुएशन में, एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होते हैं उस समय, याद रखिएगा। ग्रेजुएशन में पेपर्स वाइज होते हैं, ठीक है, तो पेपर को भी याद रखिएगा, पेपर भी आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री में 3 पेपर हैं आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, मैथ्स में भी पेपर होते हैं तो पेपर्स को याद करिएगा। कुछ बच्चों की क्वेरी होती है, मैम हमारे में तो 14 पेपर है, 15 पेपर है, तो हम ये कैसे याद करें, तो सब मत याद करिए, कुछ को आप जरूर से अपने मन में रखें कि अगर आपने पूछ दिया जाए कि कुछ पेपर्स के नाम बताइए तो डेफिनेटली आप वहाँ बता पाएँ। यही काम आपको PG के लिए भी करना है। PG में तो आपको पता होगा कि एक ही सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन होती है PG। अगर आप मैथ से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, जिससे भी आप PG करना चाहते हैं वो करते हैं, पेपर्स होते हैं तो पेपर्स को ध्यान में रखें, पेपर्स को पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपको डिग्री सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको आज ही कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद से आपको क्या करना है, अपने उन्हीं डिग्री में से जो आपके मार्क्स होंगे। अब ये नहीं है कि सबके मार्क्स अलग अलग याद कर रहे हैं ना, सबके मार्क्स नहीं आपको याद करने, आप जो है टोटल मार्क्स लिख लो। ठीक है, यानी कि कितने मार्क्स आपके टोटल थे और कितना आपको मिला है। ठीक है, यानी कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं और जो आपने मार्क्स वहाँ पाया है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको हाई स्कूल में जो है 600 नंबर का पेपर होता है तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, इसमें आपको जो है मान लो 425 नंबर मिले हैं, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको टोटल में के सारे नंबर्स जो हैं वो याद होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इतना समझ में आ रहा है, ये डिग्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ये आपको आज ही ख़त्म कर लेनी है, ये डिग्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपको आज ही ख़त्म कर लेनी है। तो अब आपको पढ़ना क्या क्या हुआ, आपको अपने सारी मार्कशीट्स निकालनी है, मार्कशीट निकालने के बाद से उसमें रोल नंबर याद रखना है, रोल नंबर याद रखने के बाद से उसमें ऐसे आपको जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, जितना आपका जो है आपने जितने मार्क्स वहाँ पे पाए हैं टोटल मार्क्स और वो मार्क्स दोनों आपको जो है याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पेपर कौन कौन से हैं। अब आती है नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट बताया ग्रेजुएशन में हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, पढ़ना है इन द सेंस कि ये नहीं है कि किताब उठाए और लगे कि चैप्टर पढ़ने, ऐसे नहीं पढ़ना है। उनमें से जो की टॉपिक्स होते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। अब जैसे मैथ्स वाले बच्चे हैं भाई, तो उनसे तो पूरे फॉर्मूले ही आपको याद होने चाहिए, वो कहीं से कुछ भी पूछ देते हैं। साइंस की मैंने क्लास ली थी, बहुत सारी चीज़ें आपको कराई थी और फिर कराऊंगी दोबारा, क्योंकि ये सब रिवीजन चल रहा है और साथ में नई चीज़ें, करंट की चीज़ें सभी कराऊंगी। फ़िलहाल आपको ये चीज़ें इतनी तैयार करनी हैं, ये आपकी मार्कशीट की चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की
ठीक है, ये सब जो है इसके विषय में भी, इसका इशू डेट वगैरह भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, सबको याद होता है, इतना फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। तो मार्क्स, सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट क्योंकि सर्टिफिकेट की बात हो रही है और आपकी मार्कशीट की बात हो रही है, तो एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि मान लो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तो आप सभी को पता है ना, आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अच्छा इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, समझ में आता है ना, इतिहास भाई पुराने लोगों के बारे में जानकारी के लिए जो है, हमारा जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी के लिए जो है हम इतिहास पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनसे जैसे मान लो आपने बता दिया कि हमने भाई कैलकुलस पढ़ाया, ठीक है, या कैलकुलस आपका एक पेपर रहा है, तो वो पूछेंगे ना कि कैलकुलस क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर आपने कोई और बता दिया एलजेब्रा, एलजेब्रा क्यों पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से आप सभी बच्चे अपनी अपनी स्ट्रीम की जो भी आपके पेपर्स हैं उन्हें क्यों पढ़ा जाता है, उनको क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनका पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ें उन्हें, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। ज़रूर से पूछा जाता है, आप प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस मेरे चैनल पर देखेंगे आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन, ये आपकी मार्कशीट से रिलेटेड है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़, ये चीज़ें आप आज ख़त्म कर लो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी ना कि जैसे आप मान लो जो चीज़ें सबसे पूछी जाती हैं, ठीक है, सबसे पूछी जाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान लो अब आपसे जो है पूछ लिया गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसमें, इसके विषय में सभी लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना, इसके विषय में जो है सभी लोगों से पूछा जाता है, तो अपने अपने ज़िले के विषय में, ठीक है, अपने अपने ज़िले के, क्योंकि मैं ये हाथ से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा गंदा लिखा रहा है, इसके लिए सॉरी है। तो ज़िले जो होते हैं, ज़िलों के विषय में जो है ज़रूर से जानिए, आप जहाँ रहते हैं, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उसके विषय में आप ज़रूर से जाने, आपके ज़िले के विषय में क्या जाने अब आप सोच रहे होंगे, सभी चीज़ें जाने, आपके ज़िले में क्या फेमस है, आपके ज़िले में कौन कौन से ऐसे नेता राजनेता हुए हैं, कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां हुई हैं जो वर्तमान में फेमस हैं या पहले कभी फेमस हुई हैं, ठीक है, और आपके ज़िले का DM कौन है। फिर आप अगर बात कर लेते हैं तो हमारे, अब क्योंकि ज़िले की बात कर रहे हैं तो ज़िले से रिलेटेड ही चीज़ें जानेंगे हम, ठीक है, और इसके बाद से अब चूँकि यूपी की भी बात है, यूपी में ही आप आते हैं तो यूपी में जो है CM कौन है, CM के बारे में भी सारा कुछ मैं ये आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं देखो नहीं बता सकती हूँ, सबका डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, कौन सी घूमने की जगह है, वो जगह किसके नाम पर बनी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, चूँकि ज़िले की बात कर रहे हैं तो ज़िले में जैसे कितनी चीज़ें होती हैं, आपसे अगर पूछा जाता है, आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जब आपसे पूछी जाएगी ना तो आप बताओगे, आपसे पूछा जाएगा आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से करा है, आपने बता दिया अपने ज़िले का कोई कॉलेज, मैंने यहाँ से करा है, उस कॉलेज के बारे में स्थापना वर्ष बताइए, कॉलेज का नाम ये क्यों पड़ गया है, इस नाम का अदर कोई कॉलेज जो है किसी और शहर में है, किसी और ज़िले में है कि, और जो है बहुत सारी चीज़ें, आपके कॉलेज का कोई लोगो है, कोई सिंबल है, हर चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो अपने ज़िले के विषय में पूरी तरह से पकड़ बना करके जाएं, आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपको पता ना हो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, बस बात ये पड़ जाती है कि आप श्योर नहीं होते हो और वहाँ आंसर नहीं कर पाते हो, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आज आप क्या करें, अपना टारगेट रखें कि अपनी मार्कशीट उठाएँ, मार्कशीट पर से जो है रोल नंबर, आपके नंबर, आपके जो भी मार्क्स हैं, उसके बाद से जो है आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कितने पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ें, जो भी विषय वहाँ लिखे हुए हैं वो क्यों पढ़े जाते हैं ये पढ़ लें, और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप देखना आज से शुरू करें। अपने डिस्ट्रिक्ट के विषय में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, कौन सी नदी बहती है, कौन सा फल प्रसिद्ध है, कौन सा फल उगाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घूमने की जगह ये है तो किस राजा के नाम पर पड़ी, क्यों यहाँ पे जो है ये चीज़ें हुई थी, इसका इसके पीछे का इतिहास क्या है, ठीक है। मैं एक दो ज़िले का बता दूँगी, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उठते हैं। तो आज आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा, मार्कशीट की सारी चीज़ें देखिए, ज़िले के विषय में भी देखिए, और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी, वो शायद थोड़ा लेट नाइट तक रहे आज,
लेकिन वो आएगा ज़रूर आज जो है, और उसमें जो है मैं जिले के विषय में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको पढ़ेंगे। तो ये चूँकि एक सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो है ताकि आप अपनी तैयारी आप अपनी जो है आज शुरू कर सकें, ठीक है। तो वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ, इतना कुछ आप करिए फिर आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, और साथ में हमारी तैयारी जो है इसी तरह से चलती रहेगी। 40 डेज हमारे पास जो है इसमें हम लोग एक बेहतर तैयारी करेंगे जिससे कि आपका भी इंटरव्यू उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से स्टेनोग्राफर के बच्चों ने भी जो है अपना इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल सेलेक्शन लिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, साथ ही मुझे इंस्टा पर ज़रूर से फॉलो कर लें, आईडी है KRS सक्सेस शॉर्ट। चलिए ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।